हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लीवेज इन शीयर सिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा जाइगोट, ठीक है, ये है हमारा जाइगोट, ये है हमारा ऊपर वाला हिस्सा एनिमल पोल, नीचे वाला हिस्सा है हमारा वेजिटल पोल, ठीक है। तो पहला क्लीवेज जो होता है वो मेरीडियोनल होता है, ठीक है, एक एग को ऊपर से काटे तो दो में दो सेल बन गया। फिर हम लोग इसमें मेरीडियोनल क्लीवेज करेंगे, मतलब क्या, क्लीवेज में मेरीडियोनल दो बार हुआ, ठीक है। उसके बाद चार एक चार बन गए, चार सेल हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा कि इक्विटोरियल क्लीवेज होगा, ठीक है, चार सेल में फिर इक्विटोरियल क्लीवेज होगा। तो फिर चार ऊपर में आ गए सेल और चार नीचे में आ गए, चार ऊपर में जो एनिमल पोल है, एनिमल पोल में है, ठीक है, और चार जो होता है वो नीचे वेजिटल पोल में होता है। जो चार ऊपर का जो एनिमल पोल का जो सेल है वो क्या होता है कि मेरीडियोनली डिवाइड करता है, जिस जो कि क्या, होलोब्लास्टी इक्वल, मतलब इक्वल साइज ऑफ सेल में ये डिवाइड करता है। और लेकिन वहीं पे वेजिटल पोल का जो सेल है वो उसमें क्या होता है, इक्विटोरियल क्लीवेज होता है, जो कि अनइक्वल रहता है। तो जब एनिमल पोल का सेल होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज करता है तो वो कौन सेल बनाता है, तो मीजोमेयर नाम दिया गया है उसे। वहीं पे जब नीचे वाला वेजिटल पोल का सेल जो होता है वो अनइक्वल क्लीवेज करता है, इक्विटोरियल क्लीवेज करता है, तो वो दो टाइप ऑफ सेल बनाता है, मैक्रोमेयर और माइक्रोमेयर, ठीक है। अब क्या होता है, जो एनिमल सेल, जो एनिमल पोल का जो सेल है वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है, ए एन वन सेल और ए एन टू, मतलब दो भाग में हो गया। और वहीं पे नीचे का जो होता है माइक्रोमेयर वो किस में डिवाइड हो जाता है, तो लार्ज माइक्रोमेयर और स्मॉल माइक्रोमेयर में डिवाइड होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो जो मैक्रोमेयर है वो वी ई जी वन सेल में डिवाइड होता है और वी ई जी टू सेल में डिवाइड होता है, और जो माइक्रोमेयर होता है वो कैसे में है, तो लार्ज माइक्रोमेयर और स्मॉल माइक्रोमेयर। अब क्या होता है कि जो एनिमल पोल का जो सेल है वो ए एन वन जो ए एन टू में जो डिवाइड हुआ वो क्या बनाता है, तो एक्टोडर्म बनाता है। और वहीं पे मैक्रोमेयर का जो सेल होता है वो क्या बनाता है, एक्टोडर्म भी बना सकता है और इंडोडर्मल ऑर्गेन बनाता है, ठीक है। वेज वन क्या बनाएगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्मल ऑर्गेन, ठीक है। और वहीं पे वेज टू क्या बनाएगा, इंडोडर्म मेसोडर्मल बॉडी वॉल बनाएगा और नन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, मतलब क्या बनाएगा, इम्यूनोसाइट का सेल बनाएगा या फिर मसल सेल बनाएगा। वहीं पे लार्ज माइक्रोमेयर जो होता है वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होता है, वो क्या बनाएगा, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। और यही लार्ज माइक्रोमेयर जो ऑटोनोमसली स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनाता है, तो उसी के सेल अपने नेबरिंग सेल को कंडीशनली स्पेसिफाई कर देते हैं। और जब वो जो नेबरिंग सेल जब कंडीशनली स्पेसिफाई होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इंडोडर्म या फिर मेसोडर्म। और जो स्मॉल माइक्रोमेयर होते हैं वो जर्म लाइन बनाते हैं, मतलब क्या, जर्म सेल बनाते हैं। तो ये था हमारा क्लीवेज इन सी अर्जिन, समझ गए आप लोग, ठीक है। हम लोग का जो सी अर्जिन का जो था टॉपिक वो हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सी एलिगन के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सी एलिगन के बारे में होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।